You're a superhero. तेनू वेखता वा तेरे वाल रुड़िया मैं जद तेरे को वाली रात रुड़िया कैसे हो आप सब। मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे टेकर सी। गाइस स्वागत है आपका हमारे अनदर वीडियो में। गाइस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में फुल स्क्रीन वाला कपल पिक्चर वाला व्हाट्सएप वीडियो देखा होगा, उस तरह का स्टेटस वीडियो आप अपने पिक्चर पे कपल के पिक्चर पे अपने एंड्रॉइड फोन में बिल्कुल सिंपली वैसे कैसे बना सकते हो। तो गाइस आज मैं उसी का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूं, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा कि आगे मैं उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एडिटिंग बताने वाला हूं। गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करते तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले में सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिस ऐप का नाम है काइनमास्टर ऐप। तो चलिए हम ओपन कर लेते अपने काइनमास्टर ऐप को। सो गाइस हमने यहाँ पर अपना काइनमास्टर ऐप जो कि ओपन कर लिया। ऐप ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 9:16 के यहाँ पर आपको एमपीटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में आना, एडिटिंग में आना और आपको यहाँ पर फिल अप स्क्रीन करके डन कर देना। फिर इसके बाद आप अपना पिक्चर या कपल पिक्चर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा फाइल से। सो गाइस फाइल से मैं 10 पिक्चर जो है कि सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जहाँ पर दो पिक्चर हो गए और मैं आगे देख देख के एक करके कपल वाले पिक्चर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो मैं एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जिस तरह से आपको सारे पिक्चर को जो कि सेलेक्ट कर लेना है, 10 पिक्चर है, 10 से ज़्यादा भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम एक एक करके सारे पिक्चर जो कि सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस हम यहाँ पिक्चर जो है कि सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने जो है कि 10 से ज़्यादा पिक्चर जो है कि हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पिक्चर सेलेक्ट हो जाने के बाद एक एक करके आपको देख लेना होगा कि यहाँ पर अच्छे से एडजस्टेड है कि नहीं। जो जो अच्छे से एडजस्टेड नहीं होगा ऐसे टैप करना है, इस पर टैप करना और इस तरह से स्लाइड करके ऐसे मिडिल में ऐसे एडजस्ट करके और इक्वल पर टैप कर देना है। उसी तरह से सारा मतलब पिक्चर को आपको इसी तरह से इक्वल में एडजस्ट कर लेना। तो देखिए जिस तरह से सारे में हम एडजस्ट कर लेते हैं सेम सेम, इसलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से फिर इस पर हम टैप करेंगे, इस पर टैप करेंगे और इस तरह से इसे इक्वल में एडजस्ट करके और यहाँ पर इक्वल कर देना है। इस तरह से सारे पिक्चर को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए हमने ऐसे एडजस्ट करके इक्वल कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सारा का विग्नेट आपको इनेबल कर देना है। सारा पिक्चर में आपको विग्नेट ये इफेक्ट इनेबल कर देना है। तो देखिए हम सारे में इनेबल कर लेते हैं विग्नेट को। तो गाइस देखिए ऑलमोस्ट हमने सारे पिक्चर पे जो है कि विग्नेट इनेबल कर लिया। विग्नेट इनेबल हो जाने के बाद अब हम इस प्लस वाले पे टैप करेंगे और आपको काइनमास्टर के स्टेट स्टोर से ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ डाउनलोड कर लेना होगा। तो पहला आपको ग्लो लाइन वाला डाउनलोड कर लेना होगा और दूसरा है कि स्क्रीन शिफ्ट वाला। तो हम ग्लो लाइन पे टैप करेंगे और फर्स्ट एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेकंड पे टैप करेंगे स्क्रीन शिफ्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। एक एक करके सारे में से आप इसी तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका इफेक्ट जो है कि काफ़ी बेहतर आ सके। तो देखिए जिस तरह से हम सारे में एक एक करके सेलेक्ट करते जाएंगे, एक उसमें से तो एक इसमें से हमें सेलेक्ट करते रहना है। तो देखिए फिर हम इसमें से फोर्थ, तो फिर हम इसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं फिफ्थ वाला, मतलब एक एक करके सारे से आपको सेलेक्ट करते जाना है। इसी तरह से आप सारे से सेलेक्ट कर लीजिएगा एक एक करके। सो गाइस हमने सारे में जो है कि इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब इफेक्ट सेलेक्ट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ओवरले इफेक्ट यूज़ करेंगे। तो लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से एक ओवरले इफेक्ट जो है कि सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर आप टैप करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर सारा मटेरियल प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं एक ओवरले इफेक्ट को सेलेक्ट जैसे कि मैंने कर लिया और फिर इस पर टैप करके हम इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे और ऐसे इसको कुछ बड़ा कर लेना और इसका म्यूजिक को म्यूट कर देना और बैक आ जाना, फिर ब्लाइंडिंग में जाना है और यहाँ पर इसको स्क्रीन कर लेना है।
अब उसके बाद यहाँ पर एक और ओवरले इफेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से एक और हम ओवरले इफेक्ट यूज़ कर लेते। तो गाइस इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिर स्प्लिट स्क्रीन पर जाकर इसको इस पर टाइप करके फुल कर देना और फिर इसका म्यूजिक को आपको म्यूट कर देना। म्यूट करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाना और यहाँ पर सिंपली से आपको स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन हो जाने के बाद यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे और यहाँ पर हम एक गाइस शैडो इफेक्ट जो है कि ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ हम फाइल से जो है कि शैडो इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ से शैडो इफेक्ट को जो है कि सिलेक्ट कर लिया और इसको भी गाइस खींच के कुछ इस तरह से एंड तक ऐसे कर लेना है। एंड तक कर लेने के बाद इस तरह से इसको बड़ा कर लेना और थोड़ा सा खिसका कर इसको ऐसे नीचे में कर लेना है। नीचे में कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर एक फुल स्क्रीन का बॉर्डर ऐड कर लेंगे। तो लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से हम जो है कि फुल स्क्रीन का जो है कि बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से फाइल से हम फुल स्क्रीन का बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए और स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे और इस तरह से फुल करके गाइस इसको भी खींच के इस तरह से ऐसे एंड तक आपको कर लेना है। एंड तक कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो यूज़ करने वाले। तो गाइस उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है। तो गाइस आप भी जाकर देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर लेयर में जाते हैं, मीडियम जाते हैं और यहाँ से फाइल से हम ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इस तरह से तो हम यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से क्रॉप कर लेंगे और इसको गाइस खींच के कुछ स्टार्टिंग तक ऐसे ले आएंगे और इसको हम थोड़ा अभी इतना ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉपिंग में जाते हैं और यहाँ पर नीचे वाला ऐसे इसका पार्ट जो है कि थोड़ा सा क्रॉप ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका जिसने बनाया उनका चैनल का नाम दिया हुआ था, तो हम उसको क्रॉप कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं गाइस इस तरह से इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पर हम आएंगे ब्लेंडिंग में और ब्लेंडिंग में आकर इसको स्क्रीन कर देंगे। फिर हम इस पर टैप करेंगे और गाइस इसको इस तरह से खींच के नीचे की ओर ऐसे कर देंगे एडजस्ट। अब एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हम देख लेंगे कि यहीं तक ये होता है, मतलब आ जाता है टेक्स्ट। तो अब हम उसके बाद क्या करते हैं, जो बाकी का बचा हुआ पिक्चर हम उसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने पिक्चर डिलीट कर लिया। अब इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ तक इसको एडजस्टेड हो जाएगा। फिर इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर ये इफेक्ट यहीं तक है, तो हम इसको क्या करते हैं डुप्लीकेट बना लेते हैं। और डुप्लीकेट बना लेने के बाद गाइस इसको खींच के ऐसे स्टार्टिंग तक कर लेंगे और फिर इस पर ऐसे टैप करेंगे और यहाँ से ऐसे कट कर एंड, मतलब ऐसे कट कर लेंगे क्योंकि पूरा हमारा जो है कि एंड तक इफेक्ट जो है कि बैठ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन जो हमने यूज़ किया उस पर हम टैप करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर टैप करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर हमने जो फुल स्क्रीन का बॉर्डर लिया इस पर हम टैप करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर टैप करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे। तो गाइज अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने चैनल का चैनल हैंडल ऐड कर लेते हैं। तो लेयर में जाते हैं, मीडियम जाते हैं और यहाँ फाइल से जो है कि चैनल हैंडल मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, तो मैं ऐसा फाइल से जो है कि चैनल हैंडल मतलब ऐड कर लेते। तो गाइज आपको भी चैनल हैंडल बनाना सीखना होगा तो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप भी उस तरह का आप अपने नेम से चैनल का नाम से उस तरह का चैनल हैंडल बना लीजिएगा। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर चैनल हैंडल आ चुका है, किस तरह से छोटा करके यहाँ पर ऊपर में टॉप में ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाने के बाद अब आपको गाइज यहाँ पर वीडियो जो है कि बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर म्यूजिक को म्यूट कर देते हैं और वीडियो आपको प्ले करके दिखलाते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अमेजिंग जो है कि वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। इस तरह का आप अपने पिक्चर पे या कपल पिक्चर पे काफ़ी अच्छा वीडियो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन में बना सकते हो। तो इस वीडियो बनकर रेडी हो जाने के बाद आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे ऐसे टैप कर देना और आपको फुल HD 1080 पिक्सल पे आपको टैप कर देना है और सिंपली से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना, गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और गाइज अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और गाइज इसी तरह के इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइज अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले में सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।